लास्ट वीडियो में आपने देखा कि डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन आप कैसे प्लान कर सकते हो, उस कंसल्टेशन पे आपको आपकी क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करनी है और उस टाइम पे क्या क्या चीज़ों का इवैल्यूएशन होता है। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर के इमीडिएट पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने, क्या आपके बेसिक डूज एंड डोंट्स है जिसके कारण प्रोसीजर के टाइम पे जो भी डिस्कम्फर्ट रहता है वो आप अवॉइड कर पाओ। हेलो ऑल, माय नेम इज़ डॉक्टर श्रीदेवी लाखे। आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर, करंटली वर्किंग विद हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो क्लिनिक खराड़ी ब्रांच। सो फर्स्ट है कि ट्रांसप्लांट के पहले 15 डेज से लेके 1 मंथ तक आपको जो भी आपके एडिक्शंस है, स्पेसिफिकली आपका स्मोकिंग एंड अल्कोहल का एडिक्शन, आपको कम्प्लीटली बंद रखना है। फिर उसके बाद आता है कि आप जो भी हेयर ग्रोथ रिलेटेड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, जैसे बहुत सारे पेशेंट रहते हैं कि हेयर ग्रोथ के लिए, फिर हेयर फॉल के लिए मिनोक्सिल यूज़ करते हैं, हेयर ग्रोथ सीरम यूज़ करते हैं, ऑनियन ऑयल यूज़ करते हैं, तो ये सारे हेयर ग्रोथ सीरम की वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है आपके स्कैल्प में, तो ट्रांसप्लांट के टाइम पे ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो भी हेयर ग्रोथ सीरम है आपको प्रोसीजर के पहले 15 डेज पहले आपको बंद रखना है। ट्रांसप्लांट के अराउंड एक अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 दिन पहले आपका ओवरऑल डाइट में थोड़ा शुगर कंटेंट कम रखिए, सो दैट प्री ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट के टाइम पे और पोस्ट ट्रांसप्लांट जो भी आपके शुगर लेवल के फ्लक्चुएशंस है जिसके कारण इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं वो कम रहेंगे। बहुत सारे पेशेंट का प्लानिंग एकदम टाइट शेड्यूल रहता है, जैसे कि आज प्रोसीजर है तो उसी दिन मॉर्निंग में ट्रैवल करके आ जाते हैं, तो इस ट्रैवलिंग में आपका एग्जर्शन काफ़ी हो जाता है, तो एक स्ट्रेस लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। तो ये स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए मेक श्योर कि आप ट्रांसप्लांट के पहले दिन ही यहाँ पे आते हो, एक साउंड स्लीप लेते हो ट्रांसप्लांट के पहले और फिर प्रोसीजर के लिए आते हो। प्रोसीजर के पहले हम एडवाइस करते हैं कि आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके आ जाइए, तो मेक श्योर आपका जो भी ब्रेकफास्ट है नॉन स्पाइसी नॉन ऑयली रहे, ताकि पोजीशन रिलेटेड जो भी गैस्ट्राइटिस रहता है, क्योंकि जब भी हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं, जब भी डोनर एरिया से ग्राफ्ट निकाले जाते हैं, तो पेशेंट का पोजीशन जो है पेट के बल रहता है, तो उस टाइम पे गैस्ट्राइटिस के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर आप ब्रेकफास्ट जो है नॉन स्पाइसी नॉन ऑयली रखते हो तो इसमें गैस्ट्राइटिस के कंप्लेंट कम रहते हैं और पोजीशन भी सही से मिल जाता है। ये बेसिक डूज एंड डोंट्स है जो आपको ट्रांसप्लांट के पहले फॉलो करने हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेबी भी आपके केस से पर्टिकुलर हो, तो ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी अच्छे तरह से एलाबरेट की है हमारे वेबसाइट पे और कुछ ब्लॉग्स भी है, तो उनको आप एक बार चेक कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी आपसे रिलेटेड कुछ इंक्वायरी चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो।